अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ कैरेट का एक डिजर्ट। बहुत अच्छा रहता है, सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, गर्मा गर्म खाने से बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए बनाते हैं कैरेट का डिजर्ट। बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। यहाँ पर कैरेट मैं 1 किलो ली हूँ। ये बारीक सा कद्दूकस करके रख ली हूँ, बहुत बारीक सा करना है इसे। बारीक सा मैं 1 किलो कैरेट को कद्दूकस करके रख ली हूँ। यहाँ पर मैं 3 स्लेस ब्रेड ली हूँ, 1, 2, 3 स्लेस ब्रेड ली हूँ। मैं ब्रेड भी चाहिए, कैरेट ब्रेड। यहाँ पर दूध, चीनी, दूध का पाउडर, यहाँ पर घी, इलायची पाउडर और यहाँ पर पिस्ता, ये सब हमें चाहिए। सबसे पहले हमें गाजर का हलवा बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक कढ़ाई को रख लेना है। कढ़ाई को रख ली हूँ मैं। यहाँ पर 2 चम्मच घी को लेना है, एक घी देसी घी है, खाने का घी है। मैं यहाँ पर 2 चम्मच ली हूँ। अभी इस घी में हमें कैरेट को डाल लेना है, क्योंकि हमें हलवा बनाना है, इसीलिए यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ। अच्छा बारीक सा कद्दूकस कर लेना है, बहुत जल्दी गलता है। अगर आप मोटा मोटा कद्दूकस करते हो तो बहुत लेट से गलता है। जितना बारीक चाहिए उतना बारीक कर सकते हैं। घी में कैरेट को हमें अच्छे से पका लेना है। पहले घी के साथ अच्छे से भुनाई कर लेना है, जो भी कच्चापन है घी के साथ चले जाए, घी की खुशबू आ जाती है इसमें, इसीलिए थोड़ा सा हमें इसके साथ भुनाई कर लेना है। अच्छे से मैं इसे पका लेती हूँ घी के साथ कैरेट को। यहाँ पर देखिए घी के साथ कैरेट को अच्छे से मैं पका ली हूँ। अभी क्या करना है, हमें 2 कप जितना दूध डालना है इसमें। ये गाढ़ा फैट वाला दूध है, मैं यहाँ पर 2 कप जितना मैं दूध ले रही हूँ, क्योंकि हमें कैरेट को गाजर को अच्छे से हमें गलाना है, इसीलिए यहाँ पर 2 कप ली हूँ मैं। अभी इसे क्या करना है, हमें अच्छे से गलने देना है इसे। इसमें खोआ नहीं जाता है और दूसरा कुछ भी इसमें नहीं जाता है, सिर्फ इसीलिए फैट वाला दूध ही मैं डाली हूँ इसमें और दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसे ही हमें गाजर का हलवा ये बनाना है। इसे अच्छे से हमें पकाना है, अच्छे से गलने देना है। तब तक क्या करना है, हमें रबड़ी बनाना है। रबड़ी के लिए मैं यहाँ पर पैन रख ली हूँ, अभी मैं उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ। हमें दो गैस यहाँ पर देखिए मैं कैरेट को पकने देती हूँ। अभी यहाँ पर मैं एक पैन रख ली हूँ। पैन में क्या करना है, हमें दूध लेना है, क्योंकि हमें रबड़ी बनाना है, इसीलिए मैं अलग से रख ली हूँ। मैं यहाँ पर स्टोव पर भी रख ली हूँ, ये स्टोव पर भी मैं रख ली हूँ, दोनों जगह मैं पका लेती हूँ। अभी हमें सबसे पहले हमें दूध लेना है। यहाँ भी 1/2 लीटर जितना दूध ले रही हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मैं 1/2 लीटर दूध फैट वाला रख ली हूँ। अभी दूध इसे गर्म होने देना है। तब तक क्या करना है, हमें ब्रेड को हमें पीस लेना है। यहाँ पर ब्रेड को रख ली हूँ। सबसे पहले हमें ब्रेड के इन किनारों को हमें निकाल लेना है। 3 स्लेस लेकर हूँ मैं ब्रेड की। अगर ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप ब्रेड 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, हर एक चीज़ को आप बढ़ा लेना। मैं यहाँ पर ऐसे कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े कर ले रही हूँ मैं, क्योंकि हमें ब्रेड को पीसना है, इसीलिए पानी नहीं डालना है, सूखा ही हमें पाउडर बना है। जैसा ब्रेड क्रम रहता है ऐसा यहाँ पर मैं जार में डाल लेती हूँ ये। यहाँ पर देखिए और थोड़ा सा कर ले रही है। अब इसे सूखा हमें पीस लेना है। यहाँ पर देखिए हमें ऐसा बारीक पीस लेना है इसे। हाँ, जो ब्रेड के किनारे मैं काट कर रख ली हूँ, इसे फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, ये काम आता है। आप इसे सुखा लीजिए, सुखा कर इसे ऐसे पीस लीजिए, ये ब्रेड क्रम तैयार हो जाएगा आपका। अभी क्या करना है, यहाँ पर दूध गर्म हो गया है, अभी मैं थोड़े चीजें उसमें डाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए कैरेट आधा बहुत गल चुका है गाजर, अभी हमें इसे और गलाना है, दूध में ही इसे गलाना है, इसमें खोआ भी नहीं जाता है, हमें ऐसा हलवा बनाना है इसे, इसे और पकना है, इसीलिए मैं दूध 1/2 लीटर जितना डाली हूँ, 2 कप भर कर मैं डाली हूँ 1/2 लीटर दूध जितना, दूध में ही इसे पका लेना है। अभी यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, यहाँ पर रबड़ी के लिए मैं यहाँ पर 5 टीस्पून चीनी लेती हूँ। आप मीठा आपके ऊपर जाता है, आप देख कर डाल लेना, मीठा आप जितना चाहे आप उतना डाल सकते हैं। मीठा बहुत से घर में कम खाते हैं, बहुत से घर में ज़्यादा खाते हैं। ये दूध भी अच्छे से बॉयल हो रहा है, क्योंकि दूध गाढ़ा ही लेना है इसका। ये ब्रेड वाली रबड़ी बना रही हूँ मैं,
मैं दूध के साथ मैं ब्रेड भी डालकर बना रही हूँ। अभी क्या करना है, जो पीस कर रखी थी मैं ब्रेड को इसमें डाल लेना है। यहाँ पर देखिए ऐसे, अब दूध के साथ हमें इसे भी पकाना है। जो ब्रेड को मैं पीस कर अभी डाली हूँ उसे भी हमें अच्छे से पकाना है। यहाँ पर मैं दूध का पाउडर ली हूँ, मैं ये 50 ग्राम से थोड़ा ज्यादा है। आप चाहे तो बड़ी पैकेट भी ले सकते हैं, ये छोटी पैकेट भी आती है मिल्क पाउडर की, 10 रुपए वाली भी पैकेट भी आती है। मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ, इसे भी मैं डाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए रबड़ी अच्छे से गाढ़ी हो रही है, और हमें इसे गाढ़ी करना है, और गाढ़ी करना है क्योंकि रबड़ी गाढ़ी ही रहती है। मैं आज ब्रेड की बनाकर बता रही हूँ, दूध के साथ ब्रेड की भी बनाकर बता रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर देखिए और गाढ़ी हमें चाहिए, इसे पकने देती हूँ। यहाँ पर कैरेट भी अच्छे से गल चुका है, और हमें गलाना है जितना भी दूध है इसमें। यहाँ पर देखिए जितना भी दूध है इसे अच्छे से हमें इसमें पकने देना है। दूध और गाजर दोनों भी सूख जाना है, जितना भी इसमें दूध बचा है वो अच्छे से इसमें सूख जाना है, तब तक हमें इसे पकाना है। कैरेट भी अच्छे से पक चुका है और मैं इसे पका लेती हूँ। ये डिजर्ट अलग सा है, कभी भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं, आपके घर में मेहमान आते हैं जब भी जब दिल चाहे उसे बनाकर खा सकते हैं। हाँ ये गर्मा गर्म ठंडी में बहुत अच्छा रहता है, गर्मा गर्म बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको अभी धूप शुरू हो रही है, आपको ठंडा चाहिए, तो आप फ्रिज में रख कर भी इसे खा सकते हैं, 2-3 दिन भी आप रख कर इसे खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। कैरेट को एक अच्छे से पकाना है, कैरेट के हलवे को अच्छे से इसे पकने देना है, फैट वाले दूध में ही पकने देना है। इसमें और कुछ भी नहीं जाता, मैं डाली भी नहीं हूँ, और कुछ भी नहीं जाता, खोआ वो सब कुछ भी नहीं जाता, इसीलिए इसे दूध में अच्छे से पकाना है। ये बहुत ज्यादा गलना भी है, बहुत ज्यादा गलना भी है, अच्छे से गलना भी है और अच्छे से दूध में पकाना है। ये खाने में इतना टेस्टी रहता है, मैं क्या बताऊँ आपको, ये बहुत बहुत टेस्टी रहता है खाने में, ये बहुत अच्छा रहता है। मैं जल्दी के लिए झटपट बनने के लिए मैं 2 स्टोव पर मैं बनाकर बता रही हूँ, 2 चूल्हों पर भी, यहाँ पर कैरेट रख ली हूँ, वहाँ पर रबड़ी के लिए भी वो भी तैयार कर रही हूँ, इसीलिए मैं 2 झटपट बनना है तो 2 पर रखकर बनाना। आप 1 पर रखकर बनाने से भी आपका थोड़ा टाइम जाता है, माशाल्लाह आप जब भी इसे बनाते हो, बनाकर रखकर फ्रिज में आपके घर में मेहमान आते हो काट के देने, बहुत मजे से खाएंगे, इतना टेस्टी बनता है मैं क्या बताऊँ। जो भी मेरे चैनल को देखते हो लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो भी नए देखते हैं वीडियो पहले सब्सक्राइब कीजिए बाद वीडियो देखिए। आप लोग जो भी देखते हैं मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। यहाँ पर देखिए कैरेट और भी इसमें पानी दूध और भी है इसमें, ये अच्छे से सूखना है। यहाँ पर देखिए ये अच्छे से कैरेट के साथ सूखना है, उतना पकाना है इसे कैरेट को। अभी क्या करती हूँ, मैं चीनी लेती हूँ, मैं यहाँ पर 5 टीस्पून रबड़ी में ली हूँ चीनी, रबड़ी में अभी यहाँ पर मैं 5 टीस्पून ले रही हूँ। मीठा आपके ऊपर जाता है, मीठा हमारे घर में हर एक चीज पसंद से खाते हैं, जो भी बनता है मीठा खाते हैं, लेकिन ज्यादा मीठा नहीं पसंद आता है। जितनी चीनी, बहुत से लोग चीनी ज्यादा डालकर खाते हैं वो नहीं पसंद आता है, थोड़ा मीठा कम ही जाता है, लेकिन मीठी हर एक चीज जो भी बनाई बहुत अच्छे से खा लेते हैं। मैं 5 टीस्पून जितनी डाली हूँ, थोड़ा मुझे कम लग रहा है, मैं डालती हूँ और थोड़ा सा इसे और पकने देना है, क्योंकि चीनी डालने के बाद क्या होता है, शुगर डालने के बाद थोड़ा और थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसे हमें और अच्छे से पकाना है इसे अच्छे से। अब यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ रबड़ी देखिए अच्छे से तैयार हो गई, गाढ़ी भी हो गई है, अच्छे से तैयार भी हो गई है। इसमें क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा इलायची पाउडर अच्छा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी रहती है। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, रोज वाटर वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर भी मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, और यहाँ पर भी मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर देखिए इतनी बहुत, मैं यहाँ पर भी इलायची पाउडर डाल रही हूँ, कैरेट में भी डाली हूँ, जो रबड़ी बना रही हूँ उसमें भी मैं डाली हूँ। अब कैरेट को पकने छोड़ना है, हाँ रबड़ी तो तैयार हो गई है, इसे उतार कर ठंडे के लिए रखना है। यहाँ पर देखिए कितनी गाढ़ी बनी है, अभी मैं इसे ठंडे के लिए रख लेती हूँ, कैरेट को और मैं अच्छे से पका लेती हूँ।
यहाँ पर देखिए कैरेट का हलवा भी तैयार हो गया है, यहाँ पर देखिए अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर ऐसे करने से पता चलता है कि अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर देखिए ये भी हो गया है, रबड़ी भी तैयार हो गई है। अभी क्या करती हूँ मैं इसका गैस कर लेती हूँ बंद, आपको निकाल कर बताती हूँ इसे कैसे निकालते हैं। यहाँ पर कैरेट का हलवा भी ठंडा हो चुका है, अच्छे से हो गया है। यहाँ पर रबड़ी भी तैयार हो गई है। अभी क्या करना है हमें इसमें डालना है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक बॉल ली हूँ। अभी क्या सबसे पहले मुझे कैरेट का हलवा इसमें डालना है। अच्छे से इसे सेट करना है, कैरेट के हलवे को अच्छे से नीचे सेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए कैरेट के हलवे को अच्छे से सेट कर ली हूँ। अभी इसमें रबड़ी को डालना है हमें, रबड़ी अच्छे से गाढ़ी चाहिए, गाढ़ी होना है। अभी इसे भी मैं मिला लेती हूँ। इसे भी अच्छे से हमें ऊपर से ऐसे कर लेना है, एक के ऊपर हमें लेयर बनाना है। इसे ये हो गया है, अभी इसके ऊपर हमें कैरेट को डाल लेना है। देखिए अभी कैरेट का हलवा यानी कि गाजर का हलवा, रबड़ी, कैरेट का हलवा, रबड़ी, फिर उसके ऊपर कैरेट का हलवा, फिर इसके ऊपर हमें रबड़ी को डालना है। ये हो गया यहाँ पर सॉफ्ट। अभी यहाँ पर रबड़ी को डालना है। यहाँ पर देखिए ऊपर से मैं रबड़ी को डाल ली हूँ। आप जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं, आप ठंडी करके ही डालना, गर्मा गर्म में नहीं डालना। लेकिन ये थोड़ा सा गर्मा गर्म ही है, थोड़ा सा ज्यादा ठंडा भी नहीं हुआ है। गर्मा गर्म भी खा सकते हैं इसे, ठंडा करके भी इसे खा सकते हैं। माशाल्लाह इतना टेस्टी बनता है, बहुत बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पर देखिए रबड़ी को डाल ली हूँ मैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा रहता है, खाने में भी माशाल्लाह उतना ही टेस्टी रहता है। अब इसके ऊपर क्या करना है हमें, थोड़े से पिस्ते, आप पिस्ता बादाम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसे अच्छा लगता है खाने में, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पर देखिए ये तैयार हो गया है। अभी मैं ये एक बॉल में निकाल कर मैं बताई हूँ आपको, आप ऐसे भी निकाल कर फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आइस कप लेकर हूँ, आइस कप में भी आप डालकर जितने भी आपके पास कप हैं डालकर खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसे भी मैं बनाकर बताती हूँ। सबसे पहले इसमें क्या करना है, गाजर का हलवा डाल लेना है इसमें। आप ऐसे कप में भी इसे बना सकते हैं, आराम से इसे बनाकर खा सकते हैं। एक एक कप लेकर खा लेना, अच्छा लगता है। ये हमारे बच्चों को ऐसे कप में बहुत पसंद आते हैं। मैं क्या करती हूँ, ऐसे 5-6 कप हैं, उसमें मैं डालकर रख देती हूँ। बच्चे जब चाहे तब लेकर इसे खा लेते हैं। ये हो गया है, अभी इसमें क्या करना है, रबड़ी को डालना है। इसे भी मैं फैला लेती हूँ। ये हो गया, अभी इसके ऊपर फिर हमें कैरेट का हलवा डाल लेना है। ऐसे ये देखने में भी बहुत प्यारा लगता है, खाने में भी उतना ही माशाल्लाह टेस्टी लगता है। ये रबड़ी बनाते हैं इसीलिए कैरेट के हलवे में खोवा वो सब कुछ नहीं जाता है। यहाँ पर देखिए कैरेट को डाल ली हूँ, अभी मैं रबड़ी को भी डाल लेती हूँ। फिर इसको भी हमें फैला लेना है, अच्छे से इसको फैलाना है।
ऐसे अच्छा लग रहा है ना ये भी, इस कप में भी बहुत अच्छा लगता है, मैं बता रही हूँ ना, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। एक एक कप लेते हैं, खा लेते हैं, आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, आप ठंडा भी खा सकते हैं। ये देखिए हो गया है, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। देखिए अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए ऐसे, अभी इसके ऊपर पिस्ता आप जैसा चाहे वैसा डाल सकते हैं, आप बादाम भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर पिस्ता ली हूँ, बादाम डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, आपको ड्राई फ्रूट जो पसंद है आप डालकर इसमें खा सकते हैं। ये देखिए आप चाहे इसमें निकाल कर इसमें से भी खा सकते हैं, आप चाहे तो आइस कप में भी ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए ऐसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगता है। अभी मैं आपको निकाल कर भी बताती हूँ, यहाँ पर देखिए ऐसे निकालना है इसे, इतना अच्छा रहता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं खाकर भी बताती हूँ, ये देखिए खुशबू तो मीठी मीठी बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू इसकी बहुत अच्छा भी रहता है खाने में माशाल्लाह। इतना मजेदार बना है माशाल्लाह, इतना मजेदार मैं क्या बताऊं आपको। हलवा भी अच्छे से गल चुका है, रबड़ी भी बहुत अच्छी बनी है, मैं ब्रेड और दूध की रबड़ी बनाकर बताई हूँ, ये भी बहुत अच्छी रहती है। आपको बहुत जल्दी गाढ़ी रबड़ी चाहिए तो आप ऐसे बना सकते हैं, मैं बताई हूँ ना, आप ब्रेड और दूध की रबड़ी ऐसे बना सकते हैं, बहुत जल्दी बनती है और बहुत गाढ़ी बनती है। हाँ दूध की भी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन दूध को अच्छे से पकाना है, ये बहुत झटपट बनती है और बहुत टेस्टी रहती है माशाल्लाह। बहुत बच्ची बनी है, अरफा खाकर बताओ अरफा। ये बाइट अरफा के लिए, आप लोग होते तो आप लोगों को भी मैं खिलाती, बहुत टेस्टी बनी है, अरफा खाकर बताओ कैसी बनी है। मिठाई के दुकान में जो मिलता है ऐसा बना है, उतनी अच्छी बनी, इतना मजेदार है, बहुत अच्छा है। अब घर में नॉर्मल टेम्पर बनता है उससे अच्छी बनी उससे है, अच्छी है। जैसे बाहर से लेकर आके खा रहे हैं वैसा लग रहा है, बहुत अच्छी बनती है। जिसे भी ये पसंद आती है रेसिपी, जरूर से इसे एक बार ट्राई कीजिए, बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है बनाने में और खाने में उतनी मजेदार रहती है ये, मैं क्या बताऊं आपको, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए आज मैं कैरेट का डिजर्ट बनाई हूँ, मैं मीठा खाई हूँ तो मीठा मीठा ही बोलूंगी, आज मैं कैरेट का डिजर्ट बनाई हूँ, वो भी माशाल्लाह इतना टेस्टी बनता है, मैं क्या बताऊं आपको। अगर आप लोग रहते तो मैं आपसे भी शेयर करती, मैं खाने के लिए आप लोगों को भी शेयर करती, मैं बहुत मजे का बनाए। रमजान आ रहा है, रमजान अब एक महीना है, जो भी मैं बता रही हूँ रमजान में इसे ट्राई कीजिए। आपके घर में ईद होती है तो तब बनाकर इसे, मेहमान आते हैं आपके घर में दीजिए, बहुत पसंद करके खाएंगे, कितना अच्छा है ये, कैसे बनाए हो आप ऐसे पूछेंगे आपको, इसे एक बार ट्राई कीजिए, ये माशाल्लाह अच्छा बहुत अच्छा बनता है, ये खाने में गर्मा गर्म भी खा सकते हैं आप, फ्रिज में रखकर ठंडा भी इसे खा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए, कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।